हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन द मैथ्स क्लास वंस अगेन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा गया है रीराइट द रेशियल नंबर्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आपके पास कुछ रेशियल नंबर्स गिवन है और आपसे कहा गया आप इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कीजिए। सिंपलेस्ट फॉर्म का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसे फॉर्म में चेंज कीजिए जिसको फर्दर कट ना किया जा सके। देखते हैं क्या ये नंबर अभी भी कट हो रहा है क्या। अगर वो नंबर नहीं कट होता है किसी भी टेबल से तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है। और आपको बहुत अच्छी तरह समझना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें चेंज करना आना चाहिए। देखते हैं कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले आपके पास -8/6 दिया हुआ है। आप देखेंगे क्या हमारे पास कोई ऐसी टेबल है। छोटी से छोटी टेबल देखते हैं तो आपको सबसे पहले 2 की टेबल से या 3 की टेबल से या 5 की टेबल से देखना होता है। तो हमने देखा 2 की टेबल से दोनों नंबर कट रहे हैं क्या। हमने देखा 2, 3 जा 6 डेफिनेटली 2 से कट रहा है। 2, 4 जा 8 तो हमारे पास ये -4/3 आ गया। इट मीन्स ये -4/3 आ गया तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया क्योंकि अब हमारे पास कोई ऐसी टेबल नहीं है जिसमें 4 भी आए और 3 भी आए। हमें देखना होता है कि हमारे पास जो नंबर है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या हमारे पास कोई ऐसी टेबल है जिसमें दोनों नंबर आए। तो यहां इस क्वेश्चन में हमने देखा यस 2 की टेबल है। 2 की टेबल में 6 भी आता है और 2 की टेबल में 8 भी आता है तो हमने इसको 2 की टेबल से कट कर दिया। यहां 2, 3 जा 6 आ गया, यहां 2, 4 जा 8 आ गया और माइनस का साइन था वो हमने एज इट इज लगा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है सेकेंड पार्ट में 25/45। और मैं अगर आपसे पूछूं कि ये दोनों नंबर्स जो है 25 और 45 किसकी टेबल में आते हैं तो आपका आंसर होगा 5। तो 5 की टेबल में दोनों आते हैं तो हम इसे 5 से कट करें तो 5, 5 जा 25 एंड 5, 9 जा 45 तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो होगा 5/9। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है -44/72। जब आपको लगे कि ये समझ में नहीं आ रहा कि -44 और 72 किसी दोनों किसी की टेबल में आते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, सबसे छोटे नंबर से इनको कट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले देखते हैं 2 से कट कर देते हैं। 2 से तो दोनों वैल्यू कट हो रही है तो हमने देखा 2 से कट करने पर 2, 2 जा 4 एंड 2, 2 जा 4 इसको भी हमें 2 से ही कट करना पड़ेगा क्योंकि हम कोई अलग अलग नंबर से तो कट नहीं कर सकते। सेम नंबर लेना होता है जिससे हमें वैल्यूज कट करनी होती है। तो यहां पर हमने ऐसे 2 से कट किया है तो इसको भी 2 से कट करना पड़ेगा। 2, 3 जा 6 और अब हमारे पास बचना चाहिए 1, 2 और 2, 6 जा 12। अब हमने देखा क्या ये फर्दर भी किसी नंबर से कट हो जाएगा। डेफिनेटली अभी भी ये नंबर 2 से कट हो रहा है तो हमने इसे कट किया 2, 1 जा 2 एंड 2, 1 जा 2 और फिर हमने इसे देखा 2, 1 जा 2, 2, 8 जा 16। आपको बहुत ध्यान से समझना है 2, 1 जा 2 जब हम करते हैं तो 3 में से 2 माइनस होता है तो 1 बचता है और 1 और 6 16 हो जाता है तो 2, 8 जा 16 आ जाता है। तो अब हमारे पास कोई ऐसी टेबल नहीं है जिसमें 11 भी आता हो और 18 भी आता हो तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं ये अब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है, हम इसे आगे और ज्यादा कट नहीं कर सकते तो हमारे पास ये इसका आंसर होगा। अब हमारे पास लास्ट है फोर्थ पार्ट। इसमें कहा गया -8/10। हमने देखा ये बहुत ही क्लियर है कि दोनों ही नंबर 2 की टेबल में आते हैं और यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट जो वीडियो देख रहा होगा मैं नहीं समझता कि किसी को ये ना पता हो कि 8 और 10 किसकी टेबल में आते हैं। बहुत ही सिंपली आप बता सकते हैं। हमने देखा ये 2 से कट हो रहा है तो 2, 4 जा 8 एंड 2, 5 जा 10। अब हमारे पास ये नंबर जो है 4 एंड 5 ये दोनों नंबर किसी भी टेबल में नहीं आते क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुके हैं। अब हमने देखा कि ये हमारे पास इसका आंसर आ गया -4/5। ये सभी इसके आंसर हैं। बहुत ध्यान से आप इसको समझिएगा। अब देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया है फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल। आपको सिंबल यहां पर पुट करने हैं, यहां पर ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल, ये आपको सिंबल पुट करने हैं। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है इसका करने का मेथड भी बिल्कुल सेम है। आपसे कहा गया है -5/7 एंड 2/3।
आपके पास टू नंबर्स दिए गए हैं, टू रेशियल नंबर्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पार्ट ग्रेटर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा करने का मेथड बिल्कुल सिंपल सेम है, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप देखेंगे माइनस फाइव का मल्टीप्लाई थ्री से किया जाए, थ्री से करते हैं, सेवन का मल्टीप्लाई हम टू से करेंगे। तो आपने देखा सेवन का मल्टीप्लाई टू से किया, माइनस फाइव का मल्टीप्लाई थ्री से किया, माइनस फाइव थ्री जा माइनस फिफ्टीन आ जाएगा, और यहां पर सेवन टू जा फोर्टीन आ जाएगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि यहां पर फोर्टीन ग्रेटर है या माइनस का फिफ्टीन। और आप सब जानते ही होंगे कि हमारे पास माइनस की वैल्यू तो स्मॉलर होती है, तो यहां पर पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर होती है। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए यहां पर 14 ग्रेटर है, इट मींस ग्रेटर का साइन हम कहां लगाएंगे, 14 की तरफ लगाएंगे। तो इसका मतलब यहां पर ये वैल्यू ग्रेटर है, इसका मतलब हमारा 2/3 ग्रेटर है। तो यहां पर हमारा आंसर लिखेंगे 2/3 इज ग्रेटर, ठीक है। तो ये बहुत ही क्लियर आप सबको हो गया होगा। यहां पर देखते हैं आपके पास नेक्स्ट पार्ट दिया गया है, माइनस का 4/5 एंड माइनस का 5/7। आपको यहां पर चेक करके बताना है कि कौन सा पार्ट ग्रेटर है या कौन सा स्मॉलर है या कौन सा इक्वल है। तो यहां पर हमने देखा माइनस का 4/5 आपने क्या किया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस का 4 का मल्टीप्लाई आपको 7 से करना पड़ेगा, यहां पर बीच में बॉक्स लगा हुआ है तो बॉक्स लगाना पड़ेगा, और माइनस 5 का मल्टीप्लाई 5 से करना पड़ेगा। तो 4/7 जा माइनस का 28 आ जाएगा, फिर बीच में बॉक्स दिया हुआ है, 5/5 जा माइनस 25 आ जाएगा। और हमें इस बात को बहुत ही क्लियर समझ में आ जाना चाहिए कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहां पर जब भी कोई माइनस की स्मॉलर वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है। तो यहां पर 28 और 25 में से कौन सी वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए, यहां पर माइनस का 25 ग्रेटर है। और अगर आपको इसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो आपको नंबर लाइन से समझना चाहिए। नंबर लाइन पर हमारे पास ये मैंने एक नंबर लाइन बनाई है आपको समझाने के लिए कि जब भी हम राइट हैंड साइड चलेंगे तो हमारी वैल्यूज बड़ी होती जाएंगी, ग्रेटर होती जाएगी। जब हम लेफ्ट हैंड साइड पर चलेंगे तो हमारी वैल्यूज स्मॉलर होती जाएगी। तो आप नंबर लाइन देखिए, माइनस वन माइनस टू से ग्रेटर है, क्योंकि जो वैल्यू राइट हैंड साइड रखी है वो ग्रेटर होती है और जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड रखी है वो स्मॉलर होती है। अब देखिए हम यहां पर दो वैल्यूज का कंपेयर कर रहे हैं, माइनस वन का एंड माइनस थ्री का। माइनस वन राइट हैंड साइड रखी हुई है, इसका मतलब ये ग्रेटर है। माइनस थ्री लेफ्ट हैंड साइड रखी हुई है तो वो स्मॉलर है माइनस वन से। तो यहां पर हमने देखा अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए कि माइनस 25 ग्रेटर होगी और माइनस 28 स्मॉलर होगी। तो यहां पर हमारा आंसर आना चाहिए माइनस 5/7 इज ग्रेटर। अब इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास कहा गया माइनस का 7/8 एंड 14/-16। ये बात हम सबको बहुत ही क्लियर हो जानी चाहिए कि जब तक हम इस डिनोमिनेटर के पार्ट में जो नेगेटिव वैल्यू रखी हुई है हम इसका माइनस का साइन ऊपर न्यूमरेटर में नहीं ले जाते, तब तक हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई हमें तब करना है जब हमें इसके साइन को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा यहां पर माइनस का 7/8 दिया हुआ था, तो यहां पर माइनस का 7/8 रख दिया, और यहां पर 14/-16 रखा हुआ था तो -14/16 रख दिया। अब देखा कि हमारे पास यहां पर जो माइनस का साइन था डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला गया है, तो अब हमें इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा -7/16, और फिर हमारे पास यहां पर आएगा -14/8। हमने यहां पर देखा 16 का 7 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस के 1/2 आ जाता है, और 14 का मल्टीप्लाई 8 से करने पर हमारे पास माइनस का 1/2 आ जाता है। और यहां पर हमें देखने से पता चल रहा है दोनों वैल्यू सेम आ गई हैं, यहां पर भी माइनस का 1/2, यहां पर भी माइनस का 1/2, तो दोनों की वैल्यू सेम है। इसका मतलब यहां पर जो साइन आएगा वो इक्वल का आएगा, और ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए।
तो यहां पर कोई भी वैल्यू ग्रेटर नहीं है, दोनों वैल्यू सेम है, तो हमने यहां पर इक्विवेलेंट का साइन रखा है। इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब देखते हैं इसके फोर्थ पार्ट में आपके पास क्या दिया हुआ है। आपके पास दिया हुआ है माइनस का 8/5 एंड माइनस का 7/4। आपको देखना है इनमें से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है या स्मॉलर है या इक्वल है। तो हमें यहां पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। माइनस का 8 का मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे और माइनस 7 का मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे। यहां पर आपने देखा माइनस 8 का मल्टीप्लाई 4 से करने पर माइनस 8 4 जा 32, माइनस के 32 आ जाते हैं। और फिर यहां पर बॉक्स लगा हुआ है 7 5 जा 35। और अब तो आपको ये बात क्लियर हो ही गई होगी कि अगर दोनों वैल्यू माइनस की है तो वैल्यू ग्रेटर कौन सी होनी चाहिए। देखिए ग्रेटर वो वैल्यू होगी जो स्मॉलर होगी। देखिए यहां पर जो 32 है और 35 है, अगर दोनों वैल्यू प्लस की होती तो डेफिनेटली 35 ग्रेटर होता, लेकिन ये वैल्यू प्लस की नहीं है, ये वैल्यू माइनस की है। तो माइनस की वैल्यू है तो इट मींस 32 माइनस का ग्रेटर है। ये आप नंबर लाइन से बहुत अच्छी से समझ सकते हैं। पहले हमारा माइनस का 32 आएगा, उसके बाद हमारे पास माइनस का 35 आएगा, तो इट मींस हमारे पास माइनस का 8/5 इज ग्रेटर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास दिया है माइनस का 1/-3 एंड -1/4। ये हमारे पास दिया हुआ है तो हम देखते हैं यहां पर कौन सी वैल्यू ग्रेटर है या स्मॉलर है। तो सबसे पहला काम हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना नहीं है, क्योंकि यहां पर जो डिनोमिनेटर है वहां पर नेगेटिव वैल्यू दी हुई है। हम इसका माइनस के साइन को डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे। यहां पर हम लिखेंगे माइनस का 1/3 और यहां पर लिखेंगे माइनस का 1/4 और फिर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर माइनस 1 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे और यहां पर माइनस 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें पता चलेगा माइनस 4 बन जा, माइनस 4 आ जाएगा और यहां पर माइनस 3 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से करेंगे तो आपके पास माइनस के 3 आ जाएगा। 4 1 जा 4 एंड 3 1 जा 3। अब हमें चेक करना है कि यहां पर वैल्यू कौन सी ग्रेटर है। तो आप यहां नंबर लाइन से भी बहुत ही क्लियरली देख पा रहे होंगे कि यहां पर मैंने बताया था अगर आप माइनस 4 एंड माइनस 3 में कंपेयर करेंगे कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो राइट हैंड साइड वैल्यू रखी है वो ग्रेटर है और जो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू रखी है वो स्मॉलर है। तो माइनस 4 एंड माइनस 3 को अगर आप देख रहे होंगे तो माइनस 3 लेफ्ट राइट हैंड साइड रखा हुआ है, तो इट मींस माइनस 3 ग्रेटर है एंड माइनस 4 लेफ्ट हैंड साइड रखा हुआ है तो ये स्मॉलर है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गया है, आपको समझ में आना चाहिए हमारे पास यहां पर माइनस 1/4 ग्रेटर है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट में आपके पास दिया है 5/-11 एंड -5/11। सबसे पहले हमें किसी भी टू वैल्यूज को कंपेयर करने से पहले देखना होता है क्या कोई नेगेटिव वैल्यू डिनोमिनेटर के प्लेस पर तो नहीं है, और यहां पर नेगेटिव वैल्यू डिनोमिनेटर के प्लेस पर है। इट मींस अब हमें सबसे पहला काम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना नहीं है, हमें इसको न्यूमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है, सॉरी डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है, न्यूमिनेटर के प्लेस पर माइनस को लेके आना है। और फिर हमने देखा यहां पर तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं आई है, क्योंकि यहां पर दोनों वैल्यू, ये भी माइनस का 5/11 है, ये भी माइनस का 5/11 है, और यहां पर दोनों वैल्यू सेम आ रही है, इट मींस ये दोनों वैल्यू भी इक्वल है। तो अब हमारे ये सिक्स पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं, अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट आपका सेवंथ में क्या दिया हुआ है। आपके पास दिया हुआ है एक नंबर है 0 और एक नंबर है माइनस का 7/6। आपको बताना है कौन सी वैल्यू ग्रेटर है या स्मॉलर है या इक्वल है। तो यहां पर हमने देखा यहां पर 0 है, यहां पर माइनस का 7/6 है, तो सबसे पहले हमें यहां पर 1 रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी के डिनोमिनेटर के प्लेस पर कोई वैल्यू नहीं रखी हुई है तो हम यहां पर 1 तो रख ही सकते हैं, और 1 तो हम किसी नंबर के प्लेस पर भी रख सकते हैं। अब हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 0 का मल्टीप्लाई 6 से किया है और माइनस 7 का मल्टीप्लाई 1 से किया है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया है वही सेम वर्क जो हम अभी तक कर रहे थे, 0 का मल्टीप्लाई 6 से किया और 1 का मल्टीप्लाई माइनस 7 से किया। 6 का मल्टीप्लाई 0 से करने पर 0 आ गया है
और यहां पर माइनस सेवन का मल्टीप्लाई वन से करने पर माइनस सेवन आ गया है, और ये अब देखने से बिल्कुल क्लियर हो ही जाना चाहिए कि डेफिनेटली यहां पर कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। जीरो इज ग्रेटर देन द नेगेटिव वैल्यूज, किसी भी नेगेटिव वैल्यू से जीरो ऑलवेज ग्रेटर होती है। आपको ये बात बहुत ही क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे अगर हम जीरो माइनस वन में कंपेयर करते हैं तो जीरो इज ग्रेटर देन माइनस वन, जीरो इज ग्रेटर देन माइनस टू, जीरो इज ग्रेटर देन माइनस थ्री, जीरो इज ग्रेटर देन माइनस फोर, सिमिलरली जीरो इज ग्रेटर देन माइनस सेवन। तो ये बात बहुत ही क्लियर हो जानी चाहिए, जीरो ग्रेटर है माइनस सेवन से, तो हम यहां पर लिखेंगे जीरो इज ग्रेटर। तो ये क्वेश्चन हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया है, और अभी तक अगर किसी स्टूडेंट्स का कोई भी वर्क इनकम्प्लीट हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इससे पहले की वीडियो का लिंक ले सकते हैं और वहां से अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं, क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।